हमारा नाइन क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज कर रहा है ठीक है? है, आगे हमें एरिया इंक्रीजिंग वेन द लेंथ ऑफ एन एज इज टेन सेंटीमीटर मतलब कि हमारा जो सरफेस एरिया है अगर हमें ये कंडीशन दी गई है कि हमारा जो वॉल्यूम है क्यूब का वो नाइन क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज कर रहा है तो हमारे उसी क्यूब का सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा जबकि हमारा जो लेंथ ऑफ ए एज हमें गिवन है वो है टेन सेंटीमीटर्स सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं लेट दिस साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर so the volume, volume, v is equals to x की पावर थ्री फॉर्मूला होता है हमारे पास क्यूब के वॉल्यूम का साइड की क्यूब होता है हमारा वॉल्यूम तो यहां पर साइड हमारी कितनी थी x सेंटीमीटर तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा x सेंटीमीटर x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब सर्फेस एरिया द सर्फेस फेस एरिया कैपिटल एस विल बी इज इक्वल टू सिक्स इंटू एक्स की पावर टू सेंटीमीटर स्क्वायर सो दिस इज द सर्फेस एरिया सो नाउ क्वेश्चन में हमें गिवेन है कि रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम इज़ टू नाइन क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड सो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है डीवी अपॉन डी टी बिकॉज क्या हमें टाइम के रेस्पेक्ट में गिवन है आप देख सकते हैं पर सेकेंड मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा चेंज गिवन है वॉल्यूम में तो डीवी अपॉन डी टी हमें गिवन है नाइन क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड सो डीवी अपॉन डी टी की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है डीवी अपॉन डी टी dv upon dt is equals to d डी बटे डी टी इन वी की वैल्यू हमारी क्या वी की वैल्यू एक्स की क्यूब सो डी अपॉन डी टी टू एक्स क्यूब सो अब हमारे पास क्या आएगा पहले हमारा एक्स की क्यूब का डिफ्रेंसिएशन होगा क्योंकि हमारा जो एक्स है वो भी टी का एक फॉर्म है तो डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा हमारा एक्स की पावर थ्री का तो एक्स की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन हमारा होता है एक्स के रिस्पेक्ट में डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एनवस वन सोल इक्स इन माइनस वन इज इक्वल आगे हमारे पास चेन रूल से डिफरेंसिएगा डी एक्स अपॉन डी टी ओके सो यहां से डीवी अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई हमारी थ्री एक्स की पावर टू डी एक्स अपॉन डी टी So, से हम वैल्यू निकाल लेते हैं dx अपॉन डी टी की तो डीएक्स अपॉन डी टीवल टू डी एक्सॉन डी टीवल टू डी अपॉन डी टी की वैल्यू है नाइन सेंटीमीटर की ऊपर सेकंड पर पुट कर देते तो ये हो जाएगा नाइन अपॉन थ्री एक्स की पावर टू नाइन से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन एक्स की पावर टू सो ये वैल्यू आ गई हमारी डी एक्स अपॉन डी की अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि सरफेस एरिया में हमारा कितना इंक्रीमेंट होगा जबकि इसके जो एजेस हैं यानी कि साइड जो है वो हमें कितनी है टेन सेंटीमीटर्स है सो डी अपॉन डी हमें फाइंड आउट करना है सो डी अपॉन डी अपॉन डी इट इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी और एस की वैल्यू हमारी क्या थी सिक्स एक्स की पावर टू सो so यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी अपॉन डी टी डी अपॉन डी सिक्स हमारा कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स की पावर टू सो so अब एक्स की पावर टू का पहले डिफ्रेंसिएशन होगा क्योंकि एक्स हमारा

डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू हमने यहाँ पर पहले ही फाइंड आउट कर रखी थी जो कि हमारे पास आई थी थ्री अपॉन एक्स की पावर टू सो so ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा थ्री अपॉन एक्स की पावर टू इसे सॉल्व करते हैं तो डी एस अपॉन डी टी डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाएगा ट्वेल्व थ्री या थर्टी सिक्स अपॉन एक्स ना हमें क्वेश्चन में गिवेन है कि हमारे एजेस कितने हैं एजेस इज सेंटीमीटर सो एक्स विल बी इक्वल्स टू टेन सेंटीमीटर एक्स नाउ एक्स इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर तो जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया आया था वो आ गया थर्टी सिक्स अपॉन एक्स सो अब एक्स हमारा टेन सेंटीमीटर है तो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू थर्टी सिक्स अपॉन टेन विच इज इक्वल टू डी एस अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर से डी एस अपॉन डी टी विल्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब वेन दिन सेंटीमीटर एंड दिस इज आर आंसर थैंक यू 12 से 12 नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट ने या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर